गुड मॉर्निंग, आई लव यू। देखिए बच्चों, इससे पहले हमने यौगिकों के सूत्र को बनाना सीखा था, सूत्र कैसे बनाते हैं वो सीखा था, फिर सूत्रों के नाम लिखना सिखाया था, नाम सूत्रों को देख के नाम कैसे लिखते हैं, जैसे कोई भी सूत्र है उसका नाम लिखा था हमने। अब हम पढ़ेंगे तो भी पढ़ेंगे आयन क्या होता है, आयन कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए बच्चों, आयन किसे कहते हैं, कोई भी आवेशित कण है। जैसे यहाँ पर मैंने आवेशित कण ले लिया, यहाँ पर NaCl। जो आवेशित कण होता है, आवेशित कण क्या होता है, जिसपे प्लस या माइनस आवेश उपस्थित होता है। आवेशित का मतलब होता है जिसपे आवेश, कोई भी कण हो सकता है, धनायन कण हो सकता है, ऋणायन कण हो सकता है, परमाणु हो सकता है, ठीक है, तो ये सभी इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो इसी प्रकार से मान लीजिए जिसपे आवेश होता है, आवेश जैसे इलेक्ट्रॉन पे माइनस आवेश होता है। कुछ आयन होते हैं, आयन दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक और उदासीन आयन। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए अगर कोई आवेशित कण है, तो वह जैसे मान लीजिए आयन किसे कहेंगे, वह आवेशित कण जो होता है जिसपे क्या होता है प्लस, धनात्मक या ऋणात्मक आवेश क्या होता है, उपस्थित होता है, क्या कहलाता है, आयन कहलाता है। वह आवेशित कण जिस पर क्या होता है धनावेश या ऋणावेश क्या होता है, उपस्थित होता है, तो वह कण क्या कहलाता है, उसे हम क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। तो किसी आवेशित कण को, किसी वह आवेशित कण कह सकते हैं, वह आवेशित कण जिसपे क्या होता है धनात्मक या ऋणात्मक आवेश क्या होता है, उपस्थित होता है, क्या कहलाते हैं, आयन कहलाते हैं। समझ में आया होगा, वह आवेशित कण जिस पर क्या होता है धन या ऋण आवेश क्या होता है, उपस्थित होता है, क्या कहलाता है, आयन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, आयन कहलाता है। और केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं आयन के प्रकार, आयन कितने प्रकार के होते हैं। जो आयन होते हैं, आयन के प्रकार की बात करें तो आयन क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, आयन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के आयन पढ़ते हैं। तो इसमें फर्स्ट हम पढ़ते हैं धनात्मक आयन, आयन दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट इसमें है धनात्मक आयन, धनात्मक आयन। और इसमें जो सेकंड इसमें ऋणात्मक आयन, ऋणात्मक आयन। मैंने भी बताया था आपको आयन किसे कहते हैं, वह आवेशित कर जिस पर क्या होता है धन या ऋण आवेश क्या होता है, उपस्थित होता है। जैसे NaCl है, अगर हम NaCl को गर्म करते हैं तो गर्म करने पर क्या होता है, ये धन आवेश या ऋण आवेश में क्या होता है, टूट जाता है। तो जिसे हम क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। तो केमिस्ट्री में आयन कितने प्रकार के होते हैं, आयन दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक आयन और सेकंड इसमें है ऋणात्मक आयन। तो आयन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक आयन और सेकंड इसमें कौन सा है, ऋणात्मक आयन। तो केमिस्ट्री में आयन दो प्रकार के पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे, देखिए धनात्मक आयन किसे कहते हैं, धनात्मक आयन के बारे में, धनात्मक आयन किसे कहते हैं। तो देखिए, जो धनात्मक आयन होता है किसे कहते हैं, तो वह आयन जिसपे क्या होता है धनावेश उपस्थित होता है, वह आयन जिस पर क्या होता है धनावेश क्या होता है, उपस्थित होता है। लिख सकते हैं वह आयन, वह आयन जिस पर क्या होता है, जिस पर धनावेश उपस्थित होता है, धनावेश उपस्थित होता है, क्या कहलाता है, धनात्मक आयन, धनात्मक आयन उपस्थित होता है, धनात्मक आयन कहलाते हैं, धनात्मक आयन। अब देखिए, अगर इसके उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में धनात्मक आयन कैसे पहचानेंगे, जैसे आपने जिसपे वह आयन जिस पर क्या होता है, जिस पर धनावेश उपस्थित होता है। अब धनावेश, जैसे आपने सोडियम सुना होगा, तो सोडियम को अगर हम कोष के रूप में लिखें, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है, तो 2.8 क्या होगा, 1 होगा। अगर सोडियम को, सोडियम की संरचना जो कोष के रूप में है, सोडियम के बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर सोडियम अपने बाहरी कोष से 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है
तो सोडियम पे कौन सा आवेश आता है? प्लस आवेश आता है, तो वह सोडियम आयन हो गया। उसने एक इलेक्ट्रॉन क्यों दागा? क्योंकि हर कोई परमाणु चाहता है कि हम अक्रिय गैस जैसी तत्व, अक्रिय गैस जैसी संरचना प्राप्त करना चाहता है, तो वह अपने इलेक्ट्रॉनों को या तो त्याग देता है या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है या इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेता है। तीन कंडीशन होती है। तो सोडियम अगर अपने भारी कोष से एक इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो उसकी संरचना कैसी हो जाएगी? पहले उसकी संरचना 2.8.1 उसके भारी कोष में एक इलेक्ट्रॉन कोष रूप में लिखा। अब सोडियम ने भारी कोष से एक इलेक्ट्रॉन को त्याग किया तो उसने आर्गन जैसी स्थायी संरचना क्या कर ली? उसने प्राप्त कर ली। तो यहाँ पर क्या आएगा? Na प्लस। तो Na प्लस कौन सा आयन होगा? धनात्मक आयन होगा। इसी प्रकार से अगर हम Mg+2 आयन लिखें या 2+ लगा सकते हैं Mg+2, इस पे कौन सा आवेश है? धनावेश है, तो ये धनात्मक आयन होगा। अगर इसी प्रकार से हम एल्यूमिनियम आयन की बात करें तो एल्यूमिनियम के भारी कोष में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो +3 आवेश आएगा, मैग्नीशियम हो गया। इसी प्रकार से अगर हम पोटेशियम प्लस की बात करें, पोटेशियम आयन हो गया ये। इसी प्रकार से सीजियम आयन हो सकता है, CS+ सीजियम आयन हो सकता है। इसी प्रकार से Rb रुबिडियम आयन हो सकता है, ETC। तो ये आयन के उदाहरण है। ये सभी आयन हैं, सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन, एल्युमिनियम आयन, पोटेशियम आयन, सीजियम आयन, रुबिडियम आयन, ये किसके उदाहरण हैं? धनात्मक आयन के उदाहरण हैं। मैंने आपको बताया था धनात्मक आयन किसे कहते हैं? वह आयन जिस पर क्या होता है? धनावेश उपस्थित होता है। तो ऐसे आयन को हम धनात्मक आयन कहते हैं। क्योंकि किसके अंतर्गत आएगा? धनात्मक आयन के अंतर्गत आता है, इसका उदाहरण हो जाएगा। अगर हम पढ़ते हैं सेकंड पढ़ते हैं ऋणात्मक आयन जो होते हैं, ऋणात्मक आयन अगर हम सेकंड पढ़े ऋणात्मक आयन, अब देखिए ऋणात्मक आयन किसे कहेंगे? वह आयन जिस पर क्या होगा? ऋणावेश उपस्थित होगा। तो लिख सकते हैं वह आयन जिस पर ऋणावेश उपस्थित होता है, कौन सा आयन कहलाता है? ऋणात्मक आयन कहलाता है, ऋणात्मक आयन कहलाता है। ठीक है, तो देखिए हमने क्या बताया था अभी, वह आयन जिस पर कौन सा आवेश होता है? अगर जिस पे धनावेश होगा वह धनात्मक आयन कहलाता है, और वह आयन जिस पर ऋणावेश उपस्थित होता है, उसे हम कौन सा आयन कहते हैं? उसे हम ऋणात्मक आयन कहलाता है। अगर इसके उदाहरण की बात करें, अगर हम इसके उदाहरण लिखें तो उदाहरण में जैसे मान लीजिए ऋणात्मक आयन के उदाहरण जिसपे माइनस आवेश होगा, जिसपे ऋणावेश उपस्थित होगा, जैसे यहां पर मैंने F- लिखा, F- कौन सा आयन होगा? फ्लोराइड आयन होगा। अगर कहीं लिखा होता है Cl- तो इसे कौन सा आयन बोलेंगे? क्लोराइड आयन बोलेंगे। कहीं लिखा होता है Br- तो इसे बोलेंगे ब्रोमाइड आयन कहेंगे। अगर कहीं लिखा होता है I- तो इसे कहेंगे आयोडाइड आयन कहते हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री में आयन कितने प्रकार के होते हैं? केमिस्ट्री में आयन हम दो प्रकार के पढ़ते हैं, धनात्मक आयन और ऋणात्मक आयन। अभी हमने धनात्मक आयन के बारे में बताया था, तो वह आयन जिस पर कौन सा आवेश होता है? धनात्मक आवेश होता है, तो धनात्मक आयन कहलाता है, और वह आयन जिस पर ऋणात्मक आवेश होता है वह ऋणायन कहलाता है। तो हमने उदाहरण बताया था F- फ्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन और I- आयोडाइड आयन। तो ये आयन थे। आगे हम बच्चों नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अगला टॉपिक।